नमस्कार, आज 9 अगस्त 2021 यानी इंडिया मार्च फॉर साइंस की इस अपील की व्याख्यान की शुरुआत मैं 16वीं सदी के प्रारंभ में घटित एक सत्य घटना से करना चाहूँगा। 11 मई ईस्वी सन 1502 क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी आखिरी समुद्र यात्रा के दौरान अपने जहाजों के साथ स्पेन से निकले थे। रास्ते में किसी परेशानी के कारण वो एक द्वीप में 6 महीनों तक फंस गए थे। इस द्वीप को आज जमैका के नाम से जाना जाता है। काफी समय तक यहाँ रुकने के कारण कोलंबस और उनके साथियों के पास खाने पीने के सामान की कमी होने लगी। इस दौरान द्वीप पर रहने वाले कुछ लोगों ने कोलंबस और उनके साथियों की मदद की। द्वीप के लोगों ने भी सबके लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। हालांकि कुछ समय बाद द्वीप के लोगों ने धीरे धीरे कोलंबस और उनके साथियों की मदद में कमी कर दी, जिसके कारण कोलंबस और उनके साथियों की भूख के कारण हालत खराब होने लगी। मामला को बिगड़ता देख कोलंबस ने एक योजना बनाई। इस सफर के दौरान कोलंबस के पास जर्मनी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रिजियो मॉन्टेनस द्वारा निर्मित अल्मेनैक यानी एक किताब था, जिसमें ईस्वी सन 1475 से ईस्वी सन 1506 तक घटित होने वाली खगोलीय घटनाओं की सूची यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स थी। कोलंबस ने उस अल्मेनैक में देखा कि 29 फरवरी 1504 को चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। कोलंबस ने इसी का फायदा उठा लिया। उन्होंने द्वीप के राजा से कहा कि भगवान आप लोगों से बहुत क्रोधित है क्योंकि आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे। कोलंबस ने बताया कि भगवान तुम्हारे आसमान से चंद्रमा को गायब कर देंगे और चंद्रमा का रंग लाल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वाकई में चंद्रमा लाल होने लगा, जिसके बाद द्वीप के लोगों को कोलंबस की बात पर भरोसा हो गया और वे लोगों ने उनसे भगवान की नाराजगी दूर करने की अपील की। कोलंबस ने लोगों को बताया कि तय समय के बाद भगवान की नाराजगी दूर हो जाएगी और चंद्रमा की रोशनी फिर वापस आ जाएगी। कुछ देर बाद आसमान साफ हुआ और चंद्रमा की चमक वापस आ गई। इस घटना के बाद द्वीप के लोगों ने कोलंबस और उनके साथियों के खान पान में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। इस तरह भूख से मरने की कगार पर पहुंचे कोलंबस और उनके साथियों की जान बच गई। इस सत्य घटना से कई प्रकार के बोध लिए जा सकते हैं, जैसे कि उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस ने विज्ञान का ही उपयोग करके विज्ञान से ही वर्जित लोगों को बुद्ध बनाया। मेरा नाम उत्तम सुरपति है, मैं यूनिवर्स साइंस फोरम का मेंबर हूं और आपने अभी जो कहानी सुनी ये इंडिया मार्च फॉर साइंस की एक अपील के तौर पर मैंने आपको सुनाई है। अब इसीलिए दुनिया के किसी भी देश के समाज के उत्थान के लिए मूलभूत विज्ञान की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। भारत के महान विज्ञानी सर सीवी रमन कहते हैं कि द ट्रू वेल्थ ऑफ ए नेशन कंसिस्ट नॉट इन द स्टोर्ड अप गोल्ड बट इन द इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल। अर्थात किसी देश की संपत्ति पैसों में या संग्रहित सोना या चांदी में नहीं, बल्कि उस देश के लोगों की बौद्धिक और शारीरिक बल में निहित होती है। यहां विज्ञान से मेरा मतलब महज टेक्नोलॉजी नहीं और ना ही स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान के सिद्धांत, बल्कि विज्ञान को एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विचार शक्ति को उन्नत किया जा सकता है, सही गलत को व्यक्ति खुद परख सके, उसे उस लायक बनाया जा सकता है। विज्ञान का इतना महत्व होने के बावजूद दुनिया के कई महासत्ताओं ने और सरकारों ने इसे सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी समझ रखा है, जहां मुर्गी विज्ञान है और सोने का अंडा टेक्नोलॉजी है। जब तक मुर्गी जीवित है तब तक वह सोने का अंडा देती रहेगी, जो ही मुर्गी बूढ़ी हुई अंडे की गुणवत्ता में गिरावट आने लगेगी। जबकि हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी को खेत और फसल के एक युग्म की तरह अपनाना चाहिए, जहां किसान रूपी इंसान विज्ञान रूपी खेत में बीज के रोपण और सिंचाई से टेक्नोलॉजी रूपी फसल पाएगा। और हम सभी विज्ञान प्रेमी लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि हम इस खेत को
बंजर होने से बचाएंगे। इस उत्तरदायित्व को अपनाते हुए 22 अप्रैल 2017 यानी अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर दुनिया के लगभग 100 शहरों में सड़कों पर लाखों की तादाद में विद्यार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट और इतिहासकार और कई सारे विज्ञान प्रेमी लोगों ने विज्ञान कूच किया था और अपनी कुछ मांगे भी रखी थी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगे मैं आपको बता रहा हूं यहां पर 2017 से, जैसे कि नंबर एक, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, नेशनल पॉलिसी मेकिंग में इनका ढांचा वैज्ञानिक आधारों पर घड़ा जाए। दो, मूलभूत विज्ञान के लिए फंड्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि कई सारे देशों में भारत सहित बेसिक साइंस के रिसर्च के फंड्स में लगातार कटौती की जा रही है। इस मुद्दे पर किसी को ऐसा भी ख्याल आ सकता है कि साइंस और रिसर्च के फंड्स की कटौती होने पर हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव जरूर पड़ सकता है। अगर कोई वैज्ञानिक संशोधन में सरकार फंडिंग देती है तो हो सकता है कि उसमें अगर पैटेंट्स भी ली जाए उस संशोधन का, तो उससे उसकी जो उपज होगी या फिर उसमें से जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड होगा वो फ्री में मिल सकता है। लेकिन अगर वही फंड्स कोई स्पॉन्सर्स या फिर बिजनेसमैन करेंगे तो वो पैटेंट्स की कीमत बहुत ऊंची होगी और वो जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विसेस है वो बहुत ही महंगे होंगे, जो एक आम इंसान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी मांग ये थी कि विज्ञान को लोक भोग्य बनाया जाए, ना कि बड़े बड़े व्यापारकों की उपकरण की तरह उसे देखा जाए। चौथी मांग ये थी कि व्यक्ति स्वतंत्रता, लोकशाही मूल्यों और देश की समृद्धि में विज्ञान को नींव समान माना जाए। 2017 से अब तक हर वर्ष विश्व के लगभग सारे देशों में यह विज्ञान कूच यानी मार्च फॉर साइंस आयोजित होता चला रहा है, जिसमें 2017 से अब तक हर वर्ष विश्व के लगभग सारे देशों में यह विज्ञान कूच यानी मार्च फॉर साइंस आयोजित होता चला रहा है, जिसमें विज्ञान को एक उत्सव की तरह भी मनाया जाता है। हर वर्ष 9 अगस्त को इंडिया मार्च फॉर साइंस भारतीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा आयोजित होता है और इंडिया मार्च फॉर साइंस 2021 के तहत भारतीय विज्ञान समुदाय ने यह कुछ मुद्दे रखे हैं, कुछ डिमांड्स रखे हैं। उसमें पहला है, कोविड महामारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषण से निर्मित उचित सलाहों के आधार पर कदम उठाए जाए। दूसरा, अवैज्ञानिक और प्रगति विरोधी विचारों को रोका जाए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के मूलभूत कर्तव्यों के तहत देश में वैज्ञानिक चिंतन, मानवीय मूल्यों और समीक्षा स्वभाव को विकसित किया जाए। नंबर तीन, शिक्षण व्यवस्था कहीं वैज्ञानिक प्रमाण का विरोध करने वाले विचारों का प्रदान तो नहीं कर रही, इसे सुनिश्चित किया जाए। नंबर चार, केंद्र के बजट का कम से कम 10% हिस्सा और राज्य बजट का 30% हिस्सा शिक्षण के लिए खर्च किया जाए। देश के GDP का कम से कम 3% हिस्सा विज्ञान तकनीकी संशोधन के सहयोग में हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वैज्ञानिक संस्थानों के वित्तीय सहयोग को बढ़ाया जाए और PhD स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति को की अवधि को 1.5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। यूनिवर्स साइंस फोरम इंडिया मार्च फॉर साइंस 2021 को सपोर्ट करता है और हमारी आप सभी से अपील है कि भारत के भविष्य को उन्नत बनाने के लिए आप लोग भी विज्ञान के इस उत्सव में जुड़े। और हाल कोविड महामारी के कारण आप अगर IMFS के इंडिया मार्च फॉर साइंस के किसी सार्वजनिक प्रदर्शन में जुड़ ना सके तो अपने घरों, ऑफिसों या स्कूल, कॉलेज जहां से बन सके वहां से साइंस स्लोगन्स या डिमांड्स के प्ले कार्ड के साथ अपना फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में मार्च फॉर साइंस हैशटैग के साथ पोस्ट करें। कई लोगों को ऐसा सवाल होता है कि व्हाई आई शुड स्टैंड फॉर साइंस, अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं या फिर साइंस से या फिर एकेडमिक साइंस से मुझे मेरा कोई नाता नहीं है तो मैं साइंस के मार्च में क्यों जुड़ू और क्यों डेमोन्स्ट्रेशन करूं। तो इसके लिए एक उदाहरण पेश करता हूं। एक बार क्वीन विक्टोरिया विज्ञानी माइकल फैराडे के लेबोरेटरी में गए थे। वहां क्वीन विक्टोरिया ने एक मोटर देखा था और कुतूहल पूर्वक फैराडे से पूछ लिया, इस मोटर का क्या उपयोग है। इस पर फैराडे ने प्रत्युत्तर दिया कि योर मैजेस्टी, क्या आप कभी एक नवजात शिशु का
क्या उपयोग है, ये सवाल पूछ सकते हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी फंडामेंटल की रिसर्च हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आज ही हमें मिल जाए। हो सकता है कि 100 साल के बाद भी हमें मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी, आज से लगभग 110 या 115 साल पहले उसकी डिस्कवरी हुई थी आइंस्टाइन द्वारा, लेकिन उसका आज यूज क्या हो रहा है, बहुत सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स में हो रहा है, देख सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स साइंस फोरम आप सभी लोग से अपील करता है कि इंडिया मार्च फॉर साइंस 2021 में जुड़े और देश की उन्नति के लिए, देश के भविष्य की उन्नति के लिए अपना प्रदान दे। थैंक यू।